इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ 2020 एंड हमें लग रहा था ये साल तो पूरा अपॉर्चुनिटीज़ और मज़े से भरा होगा, बट जो अगले हफ्ते एग्जाम थी हमारी वो अभी पोस्टपोन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। मतलब यार वाह, चीयर्स चीयर्स। और खुश क्यों ना होते, क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं होनी थी, पर हमें क्या पता था इससे भी बहुत बड़ा कुछ आगे हमारे इंतज़ार में रुका हुआ है। और जब पहली बार ये बात सुनी कि 21 दिनों तक घर में ही रहना होगा, तब तो किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। एट फर्स्ट हम सबको लगा था बहुत मुश्किल होगा, बट एज द डेज पास्ड वी वर गेटिंग यूज्ड टू इट एंड वी वर स्पेंडिंग आवर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द इंटरनेट जस्ट लाइक अदर पीपल इन द वर्ल्ड। एंड घर में ही बैठे बैठे 21 दिन कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला था। बट वन डे वन ऑफ अस स्टार्टेड फीलिंग अनवेल एंड दैट वॉज नॉट अ गुड साइन इन दैट सिचुएशन। अनलाइक अदर पीपल इन द वर्ल्ड वी स्टार्टेड मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड होप सो आज भी लोग यही चीज़ें कर रहे होंगे इन स्पाइट ऑफ मेकिंग इट एन हाइप बिकॉज प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। बट अभी कुछ और होना भी बाकी था। There was just one thing going on in our head that हम अकेले थोड़ी ना है जो सफ़र कर रहे होंगे। There were people who can't leave their homes and meet their family. There were people who are suffering from the fire and animals too. And there were people who were fighting for their rights. Salman, sorry to inform you, but your contract period is over now and you can take your letter tomorrow from the building. And there were people who were losing their jobs. We managed the workload in the online studies. We somehow managed to keep our mental health stable. We have seen empty roads. And we also noticed the crowd. And somewhere somehow, we forgot to put on the mask. Forgot it that safety was our first priority. Restrictions are over, pandemic is not.